भाई सामने आपको एक गाड़ी दिख रहा है भाई साहब, क्या मस्त ओवरटेकिंग किया है हमसे। मतलब पहले तो बहुत देर फाइनली भाई देख लो एक और जाम, ये लखीसराय बाईपास रोड है और यहाँ पे भी देखो जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया लखीसराय एंड जमुई एंटर करने ही वाले, मतलब जान पहुँचने वाले हैं अभी फिलहाल। जब फाइनली ना गाड़ी ये रहा एंड इधर ये सब है, बाकी इधर पूरा का घाटी, मतलब और भी आगे तक है घाटी, ठीक है तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे ज़्यादा देर। सकते हैं देखेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी सुबह सुबह ना देख रहे हो फ्रेश फ्रेश थोड़ा सा हुआ हूँ एंड जा रहा हूँ कहीं, तो ये है एक मेरा लॉन्ग ट्रिप, मतलब कहीं और दूर जा रहा हूँ। 300 किलोमीटर का टोटल ड्राइव है एंड मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल मैं जामतारा एंड वहाँ से भैया आ रहा है, मतलब भैया लोग आ रहे हैं, भैया भाभी लोग आ रहे हैं, तो इसलिए गाड़ी से ही आ जाएंगे और बहुत सारा सामान भी लेना है कुछ कुछ फंक्शन का, तो वो सब भी ले लेंगे। तो अभी ना चलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आप लोग को कैसा रहता है क्या रहता है। बाकी पहाड़ी इलाका में भी गाड़ी लेके जाऊँगा भाई, पहली टाइम मतलब मज़ा आ जाएगा दिल से, मतलब ओह क्या बताऊँ। तो देखता हूँ अगर उधर जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ, कन्फर्म ही हूँ उधर तो जाना ही पड़ेगा। एंड अभी मैप लगाऊंगा एंड उसके बाद सीधे निकल जाऊँगा जामतारा के लिए। टोटल 280 किलोमीटर का ड्राइव है एंड बहुत मजा आने वाला है अभी फिलहाल में, तो ये देखो बाकी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट, देखते हैं गाड़ी क्या रिस्पॉन्स करता है। और भाई एक बार में शॉर्ट आउट, एक बार में गाड़ी स्टार्ट, उसको देखो सामने ये देखो। एंड भाई अपनी गाड़ी तो भाई एक नंबर है। बाकी ना ट्रिप मीटर जो है ना बी वाला, उसको करते हैं रीसेट ताकि पता चल सके कि हम लोग कितना गाड़ी चलाए हैं, ठीक है। एंड अभी पेट्रोल नहीं है, CNG है फिलहाल में, तो चलेंगे हम लोग आगे एंड वहाँ जाके डलवाएंगे एंड चलते हैं अभी पहले। तो फाइनली गाइस ना यहाँ से तो निकल गए हैं एंड अभी पहुँचते हैं फटाफट से हाईवे पे एंड हाईवे से निकलते हैं धनातन, क्योंकि भाई यहाँ से पहले तो फटाफट हमको निकलना है जल्दी से जल्दी हथीदो के इधर, तो जितना जल्दी निकल जाए, क्योंकि फिर उधर बीच में एक जगह है वहाँ पे ना भाई भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भरोसा नहीं है, जाम वाम में फंस सकते हैं, तो इसलिए ना यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद आगे जाके बरौनी में, बरौनी तक तो रास्ता पता ही है, उसके बाद लगा लेंगे अपना मैप एंड निकल जाएंगे वहाँ से फटाफट से। वैसे भी अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 10 बजे हम लोग को निकलना था लेकिन 11 बज गए हैं, तो कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे इतना तो हम लोग हाईवे के ऊपर। बाकी चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोग को यहाँ वहाँ का सीन। एंड अभी इधर बिहार में तो कैजुअली कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एंटर करेंगे जब थोड़ा सा पहाड़ी इलाका और उस इलाका में, तब दिखाना देखना आप लोग नज़ारे क्या मस्त होंगे। तो फाइनल गाइस ना अभी पहला टोल प्लाजा पे आ गए, तो अभी ना जल्दी से टोल देते हैं निकलते हैं यहाँ से, और तो फास्टैग से कट जाएगा फटाफट से एंड निकल जाएंगे यहाँ से आगे। एंड ऑलमोस्ट समझ लो कि आधा बरौनी के आधा कवर कर दिए हैं, तो पहुँचते हैं बरौनी, उसके बाद थोड़ा सा फिलअप करवाएंगे फ्यूल, गैस ही डलवा लेंगे इधर, आगे डलवाएंगे फिर होगा तो पेट्रोल। बाकी गाड़ी एक नंबर परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा चल रहा है। बाकी ठंडा आज भी बहुत ज़्यादा है, बट अंदर तो नहीं लगता है क्योंकि भाई हीटर चला दो तो बस समझ ही रहे हो। बाकी मज़े करो आप लोग एंड शॉर्ट्स इन्जॉय करते रहो ऐसे ही, अभी बहुत सारा आगे चल के तो मज़ा आएगा, मतलब इधर तो उतना खास नहीं है देखने को, बट आगे मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, जब पहाड़ थोड़ा छोटा छोटा पहाड़ सब आएगा ना तो मज़ेदार लगेगा। बाकी घाटी में जब गाड़ी जाएगा तब देखना क्या मज़ा आता है। और फर्स्ट टाइम मैं ना अब खुद ड्राइव करके ना फोर व्हीलर से घाटी में जा रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है। चलते हैं अभी जल्दी से टोल प्लाजा पे टोल देते हैं, ये लगो ये दिख गया टोल आपको। बाकी आप लोग मज़े करो बहुत सारा मैं तो बोलूँगा, बाकी देख लेना आप लोग क्या करते हो। भाई सामने आपको एक गाड़ी दिख रहा है भाई साहब, क्या मस्त ओवरटेकिंग किया है हमसे, मतलब पहले तो बहुत देर तक पीछे था, मतलब दसिंगसराय से बछवारा के आगे तक ऐसे ही पीछे था मेरे, बछवारा से भी बहुत आगे तक। एंड अभी जाके मैं थोड़ा सा फ़ोन आ गया था मुझे ना किसी का, तो मैं बात कर रहा था तो ये आगे निकल गया। बाकी स्पीड अच्छा खासा चला रहा है, 100 के आसपास चला रहा है ये भाई साहब, पेट्रोल है ना पावर दिखा रहा है, मतलब पेट्रोल में मैं अभी डाल सकता हूँ लेकिन कोई नहीं, मुझे इतना अभी नहीं होना है, आराम से चलना है, अभी पहुँचना है वहाँ पर सेफली एंड उसके बाद सेफली वहाँ से आना भी है। तो फाइनली गाइस ना अभी
फिलहाल में आ गए हैं बरौनी 0 माइल एंड यहाँ पे ना थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं एंड उसके बाद चलेंगे, थोड़ा सा पानी वानी और चाय वाय पी लेते हैं, चलते हैं यहाँ से उसके बाद। बाकी भाई अंदर में गर्मी लगना स्टार्ट हो गया है इतना ज़्यादा, मतलब यार इतना मस्त चल रहा है। बाकी आप लोग ये देखो 0 माइल इधर है, इधर बाकी हमको जाना है, इधर सीधे है, अभी जाके चाय पीते हैं। फाइनली भाई यहाँ से निकलते हैं, चाय वाय पी लिए एंड फ्रेंड जाके थोड़ा सा गैस टॉप अप करवाते हैं, मतलब गैस डलवाते हैं गाड़ी में, उसके बाद चलते हैं हम लोग सीधे। तो गैस फाइनली ना डलवा लिया गैस, ये देखो फुल हो गया है ऑलमोस्ट, बहुत कम में हो गया 400 कुछ रुपये का, 440 के आसपास। तो फाइनली ना अभी चलते हैं, देखो अभी इधर थोड़ा दूर ना थोड़ा सा गड़बड़ है, उसके बाद मतलब जब पुल पार कर जाएंगे ना उसके बाद फिर लगभग ठीक ठाक चलेगा स्पीड। तो चलते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल में एंड आगे जाके लगाते हैं मैप, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगा मैप का। आगे एक टोल प्लाजा भी है तो उसको होगा तो स्किप मार देंगे, एक रास्ता है साइड से तो वो सीधे निकल जाएगा, इधर ज़्यादा दूर भी जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी ना, दिखाते हैं आपको आगे चल के पुल का क्या हाल है। तो अभी फाइनली ना आ गए राजेंद्र पुल पे, जो कि ये पुल ना सिर्फ अभी 4-व्हीलर मतलब छोटा मोटा गाड़ी के लिए ही है, बड़ा गाड़ी के लिए ये पुल बंद कर दिया गया है। इसके साइड में इधर साइड है ना उधर बन रहा है इसका पुल, बाकी ये देख लो रेलवे का पुल भी इधर साइड में होना है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ था, मतलब गाड़ी के लिए ऊपर एंड नीचे से ट्रेन जाती थी, अभी भी फिलहाल ट्रेन इसी से जाती है। लेकिन ये देखो उधर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना वो हो रहा है रोड के लिए, बाकी इस पर जाम भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रोक रोक के गाड़ी की भेजता है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसको भी ठीक ठाक किया जा रहा है क्योंकि गाड़ी इस पर बहुत सारा ज़्यादा चलती है अभी फिलहाल में। बाकी देख लो अभी गंगा जी को तो करते हैं प्रणाम इनको, बस आराम से पहुँच जाए हम लोग एकदम सेफली, बहुत मज़ा आएगा। अभी बहुत कुछ बाकी अभी फ़िलहाल तो स्टार्ट ही हुआ है, बाकी अभी भी इधर फॉग फॉग सा लग रहा है क्योंकि पानी है ना शायद इसलिए। बाकी देख लो आ गया है ना जाम, तो रुकना पड़ेगा अभी थोड़ा देर, कोई बात नहीं थोड़ा देर रुकेंगे फिर तुरंत खुल जाता है कुछ कुछ देर में। तो चलिए रुकते हैं, इंजॉय करते हैं थोड़ा सा एंड आप लोग भी मज़े करो तब तक। बाकी ये एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहेगा क्योंकि सोलो ड्राइव कर रहा हूँ वो भी घाटी के अंदर, मतलब अभी फ़िलहाल नहीं बट आगे जाके घाटी मिल जाएगा हमें ना, तो देखेंगे कि क्या होता है। बाकी देख लो इधर देखो ये, बाकी ये देखो तो फाइनली ना अभी पुल पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था भाई, और मेरा गला थोड़ा सा रात से ही थोड़ा सा ख़राब है, सर्दी जैसा लग रहा है। तो अभी फाइनली जा रहे हैं एंड मतलब गंगा के इस पार तो आ गए हैं लेकिन अभी बस जा रहे हैं, बाकी आगे जाके लखीसराय से टर्न लेना है। तो चलते हैं और क्या, बस चलाइए गाड़ी चलाना है अभी फ़िलहाल तो बहुत सारा दूरी, बाकी लोग मतलब इधर का जो रोड है ना थोड़ा सा कम चौला है, पीछे ठीक था एंड इधर आके थोड़ा सा कम चौला है, कुछ दूर है उसके बाद फिर रोड सही मिल जाएगा हमें आगे चल के एंड थोड़ा सा मार्केट भी है तो इधर भीड़ भी मिलेगा, बट कोई नहीं चल रहे हैं अभी तो भाई जाना तो है ही, तो बस जा रहे हैं। ये रास्ता देखो यहाँ पे आता है इस मंदिर के पास, ये है अशोक धाम एंड भाई बहुत फेमस मंदिर है, मतलब बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ पे बहुत बार भीड़ भी रहता है लेकिन अभी फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है उतना ज़्यादा भीड़, लेकिन है फिर भी आप लोग मंदिर देख लो। और इससे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपका टोल बच जाएगा, एक टोल बच जाएगा आपका। बाकी ये देखो मंदिर ये रहा, दोनों मंदिर है साइड में भाई बहुत ज़बरदस्त है। बाकी हम लोग तो यहाँ भी रुकेंगे नहीं, बाकी प्रणाम कर लेते हैं महादेव को एंड चलते हैं। तो फाइनली ना ये ओवरब्रिज पार करते ही हम लोग घुस जाएंगे लखीसराय में एंड इधर शायद क्यूल है या लखीसराय, मतलब दोनों पास में ही है, तो कोई नहीं अभी चलते हैं। बाकी अभी भाई टाइम हो गया है 2 बजने वाला है, कैसे जाएंगे 2 घंटे में ये सोच रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी 100 किलोमीटर भी नहीं पूरा हुआ है, तो देखते हैं
कोई नहीं, आराम से ही चलेंगे, थोड़ा लेट भी पहुँचेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे वो सब चीज़। बाकी कुछ देर तो रुक के हम, मेरा एक घंटा तो जाएगा लैप्स कुछ वीडियो वीडियो बनाने में या फोटो वोटो लेने के लिए गाड़ी का, तो देख लेते हैं क्या होता है हमारा। बाकी मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में, एंड एक टोल प्लाजा तो हम लोगों ने बचा दिया है अभी फ़िलहाल में, कोई नहीं इतना से क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। एंड ये रहा मैं, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए तो एसी बंद करके रखा था, थोड़ा चलाया हूँ, गर्मी लगने लगा अंदर। भाई धूप बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और भाई पता नहीं क्यों इतना धूप। एंड इससे पिछले बार आया था ना बाइक से, याद है हमको, इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था, क्या बताऊँ, मतलब अलग ही लेवल था। बाकी आप लोग इंजॉय करते चलो, मजे लेते चलो, एंड आप लोग बताना अगर आप लखीसराय से हो तो कमेंट करना, कोई भी हो लखीसराय से तो बताना हमें, लखीसराय में फेमस क्या सब है वो सब बताना आप, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग, क्या करेंगे अभी, तो बस चल सकते हैं और क्या। फाइनली भाई देख लो एक और जाम, ये लखीसराय बाईपास रोड है और यहाँ पे भी जाम है भाई साहब। देखो जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया लखीसराय एंड जमुई एंटर करने ही वाले, मतलब जान पहुँचने वाले हैं अभी फिलहाल कुछ देर में, तो वैसे ही पहाड़ का स्टार्टिंग शुरुआत हो गया है। बाकी आप लोग देख लो बहुत मज़ेदार, मतलब एक नंबर दिन है, ना ज़्यादा ठंड है, बाइक से भी भाई, बाइक से अगर आता तो मज़ा आ जाता एकदम कसम से बता रहा हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। गाड़ी में थोड़ा सा ए सी ऑन किया अभी फ़िलहाल में, क्योंकि अंदर गर्मी लग रहा था, धूप इतना कड़ा हो रखा है ना कि बहुत ज़बरदस्त वो हो रहा है। बाकी आप लोग देख लो पूरा रोड पे ऐसा ऐसा बना हुआ है हर जगह पे। तो भाई फाइनली ना कपड़ा वाला उतार दिया एक, एंड कुछ खाना वाना खाया था अभी फिलहाल में, एंड ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं घाटी में, 10-15 किलोमीटर और बचा हुआ है घाटी, तो चलते हैं देखते हैं मतलब भाई घाटी में क्या मजा आता है। बाकी वहाँ तो एकदम वीडियोज़ लूँगा, फोटोज़ लूँगा गाड़ी का, आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फॉलो करते हो जाके फॉलो कर लो, रेसी गेमिंग करके है कुछ, तो रेसी गेमिंग करके ही है, तो आज आप जाके फॉलो कर सकते हो वहाँ पे, एंड देख सकते हो वहाँ पे पोस्ट एंड रील वील जो भी होगा वो वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा ना इस टाइप के ट्रेन पे इस गाड़ी से, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इस गाड़ी से क्या, मैं फोर व्हीलर से इधर कभी आया भी नहीं हूँ इससे पहले, तो इस बार आया हूँ भाई, मज़ा आएगा, मतलब मज़ा तो अभी आ ही रहा है चलाने में। बाकी थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था पता नहीं क्यों, थोड़ा पानी वानी नहीं पिया था सुबह से, तो पानी पिया हूँ अभी लेकर के ना, एंड कुछ थोड़ा बड़ा खा लिया हूँ, एक दो चिप्स एंड कुरकुरे। आगे चलते हैं ना, देखते हैं कुछ अच्छा जगह पर मिलेगा ना कुछ खाना वाना तो खाएंगे वहाँ पर, एंड बाकी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, फीलिंग बहुत मस्त, बहुत एक्साइटमेंट अभी भी बहुत ज़बरदस्त। बाकी थोड़ा सर्दी जैसा हो गया है बट फिर भी फीलिंग बहुत मस्त है अभी भी। बाकी आप लोग इंजॉय करो आगे का। तो गाइस देख लो फाइनली सामने आ गया है घाटी, स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, तो देखते हैं वीडियो बन पाता है या वहाँ पे रुकने का तो शायद नहीं रहता है अलाउ, बट कोई बात नहीं, एक दो फोटो लेंगे रुक के साइड में, उसके बाद चलेंगे हम लोग यहाँ से। बाकी घाटी थोड़ा सा है इन्हें कि बहुत छोटा है फिर भी ठीक ठाक है, तो आप लोग इंजॉय करना अगर जो भी हो पाए हमसे जो। बाकी मज़ा आएगा आपको घाटी में गाड़ी चला के, अलग ही मज़ा आएगा, ठीक है। फाइनली ना बात यह है ना कि इधर से गाड़ी का फोटो लूँगा तो पहाड़ आएगा ही नहीं, तो फ़ायदा नहीं है ज़्यादा कुछ, तो चलते हैं घाटी में ही दिखा लेते हैं आपको,
बाकी बहुत सारे फोटोज हैं मेरे अभी भी इंस्टाग्राम पे पड़े हुए, तो आप लोग देख के चेकआउट कर लें। बाकी एक दो रील बन जाएगा तो रील देख लूँगा। ठीक है, रुक सकते हैं, देखेंगे एक हर जगह पे रुकने का ट्राई करेंगे। फाइनली ना गाड़ी ये रहा एंड इधर ये सब है, बाकी इधर पूरा का घाटी मतलब और भी आगे तक है घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे ज़्यादा देर बिल्कुल। बाकी आप लोग गाड़ी देख लो, गाड़ी एकदम अच्छा खासा चल रही है। देखो एक और पंच इधर से दे। तो हम तो सोच रहे हैं चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा फोटो वीडियोज़ नहीं लेना यहाँ पे, साथ में कोई होता ना तो ज़्यादा आसान रहता पूरा वीडियो लेने के लिए, और रुक के मतलब उधर के ले सकता था एंड हम चला रहे होते गाड़ी तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कोई साथ में है नहीं। तो फाइनली निकलते हैं, डिसाइड करके निकलते हैं, हो गया अब जल्दी जल्दी पहुंचना भी है क्योंकि ये टाइम गूगल मैप और बढ़ा ही रहा है, 100 किलोमीटर और बचा हुआ है लगभग में। तो चलते हैं यहाँ। एक्चुअल बताओ ना तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब मन में नहीं कर रहा है कि जाओ यहाँ से, क्योंकि अच्छा फीलिंग अच्छा रहा है, जगह अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बाकी देख रहे हो ओवरटेकिंग यहाँ भी कर रहे हैं लोग, कोई बात नहीं समझ जाएंगे धीरे धीरे। बाकी जो भी जाए इधर से सेफली जाए, हम तो बस यही चाहेंगे। ये सीधा स्टीप है, चढ़ाई है इस यहाँ पे, फिर भी 3 गियर में गाड़ी जा रही है, अच्छे खासे में जा रही है। साइड का वीडियो देखो कितना तो मस्त लग रहा है भाई, मतलब बहुत 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 जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लग रहा है एकदम। बाकी अब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, आगे थोड़ा सा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आ गए हम लोग पार्क, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। गाड़ियाँ देख रहे हो कितने स्पीड में आ रही है।